When 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, ओके आपको दिया है पोटेंशियल डिफरेंस कितना 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर द ड्रिप स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 2.5 इंटू 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 8 इंटू 10 to the power 28 मीटर का पावर माइनस 3 रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज क्लोज टू ओके वी नो दैट जे करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा इंटू ई होता है. अभी जे का फॉर्मूला है क्या होता है फॉर्मूला जे इज इक्वल टू एन ई वी डी. सिग्मा क्या होता है 1/ρ एंड अगर ई को देखा जाए ई को हम लोग लिख सकते हैं V/d दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला. तो ये जो रो है रो का फॉर्मूला क्या आएगा वी डिवाइडेड बाई एन ई वी डी इंटू डी आएगा. तो V कितना दिया है पोटेंशियल डिफरेंस उसने 5 वोल्ट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना दिया 8 इंटू 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power -19. बाद में वी डी कितना दिया है तो 25 इंटू 10 to the power -5 एंड लेंथ कितना दिया है तो 10 to the power -1 दैट इज 0.1. तो ये क्या आ जाएगा देखो 5 इंटू 5 चला गया 8 इंटू 5 कितना 40. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 × 16 × 10 to the power 28 −19 − 5 − 1 तो ये आ जाएगा 1/64 एंड 10 का पावर देखो −19 − 1 − 20 − 25 28 − 25 = 3. तो ये आ जाएगा 1000/64. नहीं नहीं ये ऊपर माई ऊपर एक मिनट एक मिनट एक मिनट अच्छा ये माई ऊपर चला गया तो माइनस होगा ना. तो एक मिनट गलत लिखा है यहाँ पर. हाँ उसको ऊपर ही क्यों लेके जाए उसको नीचे ही रखते हैं रुको. तो ये क्या आ जाएगा 10 to the power 3 आ जाएगा. तो अभी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1/64 तो 1/64 क्या आएगा देखो 1/64 = 0.015 625 × 10 to the power −3 आएगा. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ऑप्शन −5 − 6 में 1.6 में है ना. तो ये आएगा देखो 1.5625 × 10 to the power. ये कितना होगा ये डेसिमल को हम लोग दो डिजिट से शिफ्ट कर रहे तो 10 to the power −5 तो ये 1.6 × 10 to the power −5 होगा. तो 1.6 × 10 to the power −5 ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. राइट right.